हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे HTML ट्यूटोरियल का पार्ट 13। तो बेसिकली इससे पहले दो पार्ट में हम लोग बॉक्स इंक्लूड करने सीखे थे। ट्यूटोरियल नंबर 11 में हम लोग वन लाइन बॉक्सेस देखे, ट्यूटोरियल नंबर 12 में हम लोग देखे मल्टी लाइन बॉक्सेस कैसे इंक्लूड किया जाता है। इवन हम लोग देखे थे सबमिट बटन भी कैसे इंक्लूड किया जाता है। तो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग रेडियो बटन अपने वेबसाइट में क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं थोड़ा सा आपको रेडियो बटन के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ। तो रेडियो बटन का बेसिकली काम आप देखे ही होंगे, आप देखेंगे बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और उधर आपको आंसर देना पड़ता है। तो गाइस, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है ज़्यादातर। तो अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप दो ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से आप एक सेलेक्ट करते हैं। एक बटन सेलेक्ट करने के लिए आपको बेसिकली अपने वेब पेज में रेडियो बटन क्रिएट करना पड़ता है। बेसिकली रेडियो बटन बहुत काम में आता है बहुत सारा वेबसाइट में। जैसे आप लॉगिन पैनल में देखे होंगे, लॉगिन जब करते हैं अपने डिटेल डालते हैं तो मेल फीमेल वाला अगर आप ऑप्शन देखे होंगे तो आप एक जेंडर को एक टाइम में क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मेल क्लिक करेंगे तो आप फीमेल को क्लिक नहीं कर सकते, अगर फीमेल को सिलेक्ट कर रहे तो आप मेल को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो वही बटन को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग इसको ईजिली बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस। तो आपको करना ये है कि आपको जो प्रीवियस वाला कोडिंग है उसमें थोड़ा सा एडिट करना होगा और थोड़ा सा हम लोग कोडिंग करना होगा। बेसिकली हम लोग को लिखना होगा, तो पहला वाला ऑप्शन हम लोग येस और नो वाले में ट्राई करेंगे। तो हम लोग येस क्लिक करते हैं और जो नाम हम लोग को डिस्प्ले करना है, इधर आप मेल फीमेल भी कर सकते हैं, तो मैं येस नो ही करूँगा। और उसके बाद मैं एंटर क्लिक करके एक कोड लिखूँगा, इनपुट, उसके बाद थोड़ा स्पेस टाइप, इनपुट टाइप, उसके बाद हम लोग को इक्वल टू देना होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा रेडियो, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद हम लोग नेम डालेंगे, इक्वल टू डालेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन करेंगे, उसके बाद यस और नो, और उसके बाद हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, वैल्यू। तो गाइस, मैं पूरा कोडिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिंपली समझा दूंगा कैसे क्या कोडिंग का क्या काम है। तो इसमें हम लोग नो इनपुट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इनपुट करेंगे टाइप, या हम लोग इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो आपको वही चीज़ को कॉपी करना होगा जो आप यही चीज़ में लिखे हैं। तो हम लोग इतना सा तो लिख दिए थे, इसको कॉपी कर लेते हैं बेसिकली, और इसको हम लोग सिंपली पेस्ट कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो हम लोग का काम हो गया। तो मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ। सेव कर लिया, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया, यस नो वाला ऑप्शन आ गया। और आप ऐसा वेबसाइट बहुत सारा देखे होंगे जहाँ आपको एक ऑप्शन क्लिक करने के लिए मिलता है, तो आप एक ऑप्शन क्लिक करेंगे तो दूसरा आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। देखिए, जैसे कि मैं नो में क्लिक किया तो यस में जैसे क्लिक करूँगा तो नो वाला हट जा रहा है। तो इसे कहते हैं रेडियो बटन। और इसमें आप एक टाइम में एक बटन को क्लिक कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल आएगा। ये डेटा जो होगा वो आपका वेब सर्वर में स्टोर हो जाएगा, तो वो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे कहाँ स्टोर होता है, उसका कोडिंग बाद में जानेंगे। फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि ये जो आप अपने ऑडियंस को फॉर्म भरने के लिए बोलेंगे तो ये काम में आएगा, यस नो वाला। और बेसिकली इसमें थोड़ा सा कोडिंग का मैं थोड़ा आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो गाइस, आप देख रहे हैं जो ये जो कोडिंग है ये दोनों सेम है। तो ये दो कोडिंग इसलिए सेम है क्योंकि दोनों को हम लोग को इंक्लूड करना होगा, मर्ज करना होगा, और हम लोग को वेब पेज को बताना होगा कि ये जो स्टेटमेंट है दोनों स्टेटमेंट एक साथ है। अगर आप इसमें जो येस और नो लिखे हैं ये दोनों सेम नहीं होगा, कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखा सकूँ, तो इसमें अगर मैं कुछ लिख दिया नंबर और इसको मैं सेव कर दूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ एक बार, तो आप देखेंगे यस ये दोनों में क्लिक हो जा रहा है। तो ये तो आपको नहीं चाहिए, एक टाइम में एक रिजल्ट चाहिए। तो इसको आपको हटाना होगा और इसको आपको सिंपली सेव करना होगा। उसका रिफ्रेश कीजिए, देखेंगे कि एक टाइम में एक बटन ही क्लिक हो रहा है। तो यही है सिंपल सा इसका फॉर्मूला। और ये जगह में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ फीमेल, और इधर आप लिख सकते हैं मेल, और उसके बाद आप इसको सेव करिए, रिफ्रेश कीजिए। देखिए ये चीज़ आ गया, जैसे आप देखे होंगे फेसबुक और जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना फॉर्म भरते हैं तो आप ये वाला चीज़ तो देखे ही होंगे। तो गाइस, इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस कैसे कर सकते हैं। तो ये वाला ट्यूटोरियल गाइस आपने देखा होगा कि एक टाइम में एक चीज़ हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, मगर जो इसके बाद वाला ट्यूटोरियल आएगा, मान लीजिए तीन ऑप्शन रहेगा उसमें से दो आपको सेलेक्ट करना होगा, उसको भी हम लोग कैसे करेंगे, मतलब मल्टीपल कैसे करेंगे उसको भी आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप गाइस आपको ये ट्यूटोरियल पता चल गया होगा, आपको सब कोडिंग के बारे में कम्प्लीटली डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी गलत करेंगे तो आपको दोनों मल्टीपल सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आपको सेम लिखना होगा।
तो इतना ही था ये वीडियो में, थैंक यू सो मच फ्रेंड, और ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप।